अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं दोबारा काशी में हूँ और आज हमारी सेकेंडरी क्लास है। आज देखते हैं क्या होता है कुछ नया। मेरे साथ रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम सेकेंड डे काशी में हैं और अब देखिए आज क्या न्यू सर सिखाते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। सेकेंड हमारी क्लास शुरू होने में अभी टाइम था तो हम वेटिंग पे थे और यहाँ पे नाम भी कॉल करे जा रहे थे। हम अपने कार्ड्स जो हैं जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो जमा करवाए थे, तो नाम वगैरह कॉल करी थी। तो मैंने सोचा चलो ज्वेलरीज वगैरह के साथ जो है उनकी थोड़ी सेल्फीज़ वगैरह ले लें और कुछ नो हाउ कर लें। बहुत कॉस्टली हैं मगर बेइंतहा खूबसूरत है इनकी ज्वेलरी। फिर इन ज्वेलरी के साथ पिक्स वगैरह खिंचवाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी और टाइम है मैंने देखा तो कोई ना कुछ इनकी चीज़ें बाय कर लें। तो मास्टर क्लास जिन स्टूडेंट ले लिए थे तो सर काशिफ ने उनके लिए ये डिस्काउंट पैकेज निकाला था, 25% डिस्काउंट। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाऊँ। फिर भी मैं माशाल्लाह सारी चीज़ें बाय करने के बाद भी फारिग रही तो पिक्स वगैरह ले ली और फिर ये हमारी क्लास में मैं एंटर हो रही हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया है सर काशिफ ने, उनकी टीम ने, स्टाफ ने, और शुक्र है फर्स्ट डे तो मुझे लास्ट में जगह मिली थी मगर आज सेकंड डे में मुझे सेकंड सीट चेयर पे ही माशाल्लाह जगह मिल गई। ये वो जगह है जहाँ पे सर काशिफ जो है वो क्लास देंगे, ये उन्होंने उनके लिए टेबल अरेंज की हुई है। फिर हमारी फ़र्स्ट मॉड्यूल आ गई है। अब ये लड़कियाँ इनकी वर्कर्स वगैरह उसके ज्वेलरी वगैरह जो है वो बाल वगैरह वो थोड़ी सेट कर रही हैं। वैसे तो हाफ डन आई है ये ब्राइड, बस मेक ओवर नहीं हुआ हुआ इनका। तो काशिफ सर हमें लाइव डेमो देंगे इस इनका वलीमा मेक ओवर। अच्छा ये बिनीता मैम हैं, बहुत खूबसूरत बहुत गॉर्जियस लग रही थी। और रबीका मैम भी आई थी, बहुत ही खुशी हुई इनसे मिलके, बहुत दोनों अच्छी आदत की हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी होस्टिंग करी, रबीका मैम को सलूट है और थोड़ी जॉली भी हैं, हमें हंसाया भी, बहुत इंजॉय भी करवाया। ये फर्स्ट ब्राइड तैयार हुई तो मैंने सोचा इसके साथ पेक ले लूँ। फिर ये काशिफ सर ने माइयों की ब्राइड तैयार करी, इसको भी ऑसम ग्लैमर लुक दिया कि यकीन करें नज़र ही नहीं हट रही थी। और सर काशिफ ने एक एक बात वो बिल्कुल डिटेल से बताई। सेकेंड मॉडल आई माइयों की, फिर माइयों की ब्राइड अभी वॉक करती हुई काशिफ सर के पास चेयर के पास जा रही हैं ताकि काशिफ सर इनका भी मेकओवर करें। काशिफ सर ने बहुत ही प्यार से बहुत ही पोलाइटली हम सबको गाइड किया, बहुत मज़ा आया हमें, हमने जितना इंजॉय किया ना कि हम भूल नहीं सकते। ये देखे कितनी खूबसूरत इन्होंने ये माइयों की ब्राइड बनाई कि नज़रें ही नहीं हट रही थी माशाल्लाह से। और मॉडल्स भी बहुत खूबसूरत थी, इनकी स्टाइलिंग, ज्वेलरी, इनके ड्रेस, बस समझे मत पूछें सब चीज़ पे ही दिल आ रहा था। मगर हमें जो है 25% जो है कॉस्मेटिक पे था फ्री मिला था तो हमने उससे फ़ायदा उठाया। ये हमारी काशी सर की थर्ड ब्राइड है, मेहंदी की थर्ड ब्राइड भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार करी, ये रैंप वॉक कर रही हैं। तो इनको एक एक करके आप देखें कि सर काशिफ ने कितना ज़बरदस्त मेकओवर किया है, हर चीज़ फुल डिटेल से बताइए, कोई चीज़ सर काशिफ ने हाइड नहीं करी, छुपा के नहीं करी। यकीन करें बहुत ही जिसे कहते हैं ना अच्छे इंसान है, बहुत दिल से दुआएं निकली काशिफ सर के लिए कि उनको इंजरी हुई हुई थी फिर भी उन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया। और मेकअप के क्लास के साथ साथ उन्होंने हमारे लंच का भी इंतज़ाम किया, हमें सैंडविचेज़ वगैरह दिए, डिस्पोजल बोतल वगैरह, और जो जो हमने सवाल किए उनको बहुत ही जिसे कहते हैं ना तफसील से हमें समझाया। रबीका मैम ने भी बहुत अच्छे से एंट्री दी हम सबको, हम सब ने उनका बहुत वार्म वेलकम किया और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बल्कि जितना मैंने इनको और शूट्स में देखा है कि थोड़ी बड़ी लगती है मगर ये उनको मैंने आज फेस टू फेस देखा तो ये बहुत माशाल्लाह कम उम्र हैं और ये अपनी एज बिल्कुल सही बताती हैं जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, ये जो अपनी एज बताती हैं ये इसी एज की हैं। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू,
वीडियो बनाऊँ तो ये मेरा एम पूरा हो गया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो फिर अगेन कुछ पिक्स वगैरह ले लूँ। अगेन सर के साथ मौका मिल गया कि हमारी मॉडल्स देखें, सर काशिफ ने जो तैयार किया है। रबीका मैम बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे देख रही थी, हाय कर रही थी, तो मैंने उनकी पिक ले ली। ये मुझे इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकी। कल तो यकीन करें मुझे नींद ही नहीं आ रही थी खुशी के मारे कि अगेन मैं काशिफ सर से मिलूंगी। फिर हमारी क्लास ख़त्म हो गई थी, सब एक एक बारी त्रुबारी जो है सर काशिफ के साथ तस्वीरें खींच रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बुरख़ा वियर कर लूँ और जाने की तैयारी करूँ, इतने में मेरा नंबर भी आ जाएगा। ये देखें आप देख रहे हैं कि कितना क्राउड काशिफ सर के सर पे खड़ा हुआ है, शोर मचा रहा है। मगर काशिफ सर हैं माशाल्लाह, वो बिल्कुल भी नहीं घबराया और उन्होंने तसल्ली दी अपने सारे स्टूडेंट को कि वन बाय वन आप बेफिक्र रहे, मैं सबके साथ सेल्फी लूँगा। और यकीन करें उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हम स्टूडेंट को बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत हमारा ख्याल किया। इनके स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत रहम दिल हैं काशिफ सर। तो उनके लिए मेरे दिल से बहुत दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, मेरे साथ रहेगा। अल्लाह हाफिज़। काशिफ सर ने कुछ टिप्स दी थी जो मैं आपसे शेयर करूँगी, आप वो गौर से सुनिएगा। चलें देखते हैं। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो ओवरऑल पूरी मास्टर क्लास है, मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना मैक्सिमम हो सके मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकूँ। जैसे कि प्रीवियस कुछ क्लासेस में ऐसी चीज़ें मैंने नहीं की थी और जैसे कि अभी से पहले जो बैच था उस पर मैंने इस बात को जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो है अनाउंस किया था, वही सेम चीज़ आप लोगों के लिए। जैसे ओवरऑल जो है ये पूरा मेकअप में कर रहा हूँ, आप तो वहाँ से देख रहे हैं, स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो तमाम चीज़ें एक मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं की आप लोगों के लिए। मैं ग्रुप बनवा रहा हूँ जिसपे मेरी टीम जितनी भी वीडियोस बना रही है, मोबाइल से बना रही है, डीएसएलआर से बना रही है, जितनी भी सिनेमैटिक वीडियोस है आप लोगों के लिए एक एक चीज डिटेल में जिस तरह से रिकॉर्ड हुई है वो सारी की सारी इंडिविजुअली सेपरेटली आप लोगों के पास अवेलेबल होगी।